हम एजेस की तो बात कर रहे थे कि 30+ वालों की रजिस्ट्रेशन, फिर अब 19+ वालों की रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। अब एज लिमिट के हवाले से एक और बड़ा इंटरेस्टिंग कल बिल जो है वो सिंध असम्बली में जमा कराया गया, और उसको पढ़कर मुझे आई डोंट नो लोग हंस भी रहे थे, मीम्स भी बना रहे थे, इंजॉय भी कर रहे थे, और कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि हमारे टाइम पे ऐसा बिल क्यों नहीं आया जो पास भी होगा। आई एम नॉट श्योर ये पास होगा या नहीं होगा, ये मुझे नहीं लगता कि पास होगा, प्रेजेंट कर दिया गया, प्रेजेंट तो कर दिया गया। बड़ा इंटरेस्टिंग बिल है वो, ये है जी कि सिंध में 18 साल के नौजवानों की लाजमी शादी करवाने का बिल जमा करवा दिया गया है, जिसमें नौजवानों की शादी अगर नहीं होती और ना करवाने पर वालिदैन पर 500 रुपये जुर्माना आयद करने की सिफारिश की गई। अब ये पता नहीं रोजाना की बुनियाद पर 500 रुपये हैं या महीने की बेस पे या सालाना बेस है, लेकिन मेरे ख्याल से ये वो है कि जब तक शादी नहीं हो जाती आपको 500 रुपये नहीं दे सकते, जुर्माना देना पड़ेगा, और जब शादी हो जाती है तो ऐसे होगा कि आपको उनको 500 देने पड़ेंगे कि आप सर्वाइव कर लें। क्योंकि थोड़ा सा लॉजिकली अगर इसको सोचें तो 18+ के ऊपर क्या आपका करियर स्टैंड करता है या नहीं। मेरा ख्याल है वैसे तो लॉजिकली देखा जाए पढ़ाई पहले मुकम्मल करें, फिर कोई काम शाम शुरू करें, जॉब करनी, कारोबार करना, उसके बाद शादी की बात करें। एमपीए हैं एमए सैयद अब्दुल रशीद, जिन्होंने मुस्लिम असेंबली सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दिया है, उनके मुताबिक 18 साल की उम्र में शादी लाजमी होनी चाहिए। ठीक है 18 साल की उम्र में शादी हो जानी चाहिए अगर कोई कर सकता है तो, लेकिन लाजमी शादी करना, कोई बाइंडिंग लगाना, ये मेरा ख्याल है। और ये लिखा हुआ है कि अगर वालिदैन ताखिर करते हैं तो डिप्टी कमिश्नर को तहरीरी तौर पर आगाह करना होगा, और फिर मुआशरे की फलाह के लिए ये कानून जो है वो तजवीज दिया गया है। लेकिन आप देखें ना, अंडर एज शादियां कितनी ज्यादा होती हैं, 14 साल, 12 साल, 11 साल, कानून भी है उसके हवाले से, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, आप उसको तो रोक लें, दैट इज डेंजरस। ये तो आप मुआशरे की फलाह करने जा रहे हैं। ऐसा भी होता है, लेकिन नौजवान इस पे काफी खुश होंगे कि पेरेंट्स को वो धमकी लगा सकेंगे हमारी शादी करने वरना जुर्माना होगा। शादी नहीं करना चाहते पेरेंट्स कहते रहते हैं ब्याह कर लो, शादी कर लो, लेकिन नहीं होता। कुछ ऐसे ऐसे नौजवान भी है जो कहते हैं हमारी शादी कर दे, पेरेंट्स कहते हैं पढ़ो अभी अपना करियर सेट करो। ये कंफ्यूजन है, ये पेरेंट्स और ये फैमिली टू फैमिली डिपेंड करता है, बच्चों का क्या माइंड है, फैमिली कल्चर किस तरह से, तो ये किसी को एक यूनानिमस डिसीजन लेकर लागू करना मेरा ख्याल है आई डोंट नो ये पॉसिबल है कि नहीं।